हेलो गाइस, अगर आप न्यू है मेरे चैनल तो सब्सक्राइब कर दो। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जिससे आपका आलस, आलसीपन, जो भी आप किसी भी काम को करने के लिए 100% दो। सबसे पहले कोई भी चीज़ समझाने के लिए मैं कहानी से आपको समझाता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है, जो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। ठीक है, मेरी इस बात को ध्यान से सुनो। जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हो तो आलस को अपने पास आना ना दो। मतलब जो भी आप देखते हो कि आलसी लोग हैं ना, कुछ नहीं कर पाते लाइफ में। अगर आपकी तरह अगर कैरी मिनाटी जानते हो यूट्यूबर, अगर वो आलस करते तो आज वो इतने बड़े यूट्यूबर नहीं बन पाते। आप जानते हो अंकित बयानपुरिया, 75 डेज का हार्ड चैलेंज लिया उस बंदे ने, 75 डेज। अगर वो आलसी बनते और बीच में 10 दिनों में छोड़ दे तो आज कहाँ पे होते हो? आज अपनी मिट्टी के घर में होते ना हो। आज इसी बदौलत आज वो फॉर्चुनर में घूम रहे हैं मेरे भाई। उनके पूरे खानदान में किसी ने नहीं देखा था फॉर्चुनर, या देखना तो छोड़ कोई बेटा भी नहीं था। आज उनकी खुद की फॉर्चुनर कार है, समझ रहे हो? आलस की आलसी तुलना उस तालाब से की जाती है जो सीमा में बन जाने की वजह से जिसका पानी सराद व का ही जम जाता है, जबकि अनवरत चलने वाली नदी का पानी सदैव निर्मल रहता है। यदि आप दिन भर घर में पड़े रहते तो आपका हाथ पैर जकड़ जाएगा, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी। मनुष्य तो मनुष्य, मशीन यदि काम न करना बंद कर लिया जाए तो उसका कल्पवृक्ष काम करना बंद कर देती है। समझ रहे हो चीज़ को? जब मैं समझा देता हूँ डिटेल, आप मान के चलो आपको महीने के 10 लाख कमाने, आपका ड्रीम है भाई मेरे को हर महीने 10 लाख रुपये चाहिए, 10 लाख्स पर मंथ। सबका सपना होता है कि मुझे बड़ा बनना है भाई, बड़ा बनना सबका सपना होता है, पर बड़ी मेहनत करना हर किसी के बद का बात नहीं। अगर आप काम ही नहीं करोगे दिन भर आप सोचते रह जाओगे कि भाई बनना है, पर आप कुछ करोगे नहीं तो कैसे बन जाओगे? मान के चलो आपके घर में कूलर है, कूलर आपको उसको न्यू लिया, मान के चलो आज आपने उसको न्यू लिया और 10 दिन चलाया और फिर उसको बंद करके रख दिया और 6 महीने तक चलाएगा नहीं, 6 महीने बाद उसको चलाना, उसकी मशीन जाम हो जाएगी, उसको चलने में फिरने में बहुत तकलीफ़ होगी और वो अल्टीमेटली 3-4 महीने चल के ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो चले ही नहीं पाएगा। जितना आप कुछ नहीं करोगे उतना आपके लिए मतलब हार्ड बनता जाएगा, इसलिए कुछ ना कुछ स्टार्ट तो करो। आप स्टार्ट नहीं करोगे तो क्या कर पाओगे? स्टार्ट करने से मत डरो, कुछ ना कुछ अपना स्टार्ट करो, रास्ते बनते, समझ रहे हो? बहुत पुरानी बात है, किसी देश में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वो काफ़ी मेहनती था, खेतों में काम करने अपना गुजारा करता था। उसके 3 लड़के थे, जबकि बड़े ही आलसी थे। उसके आलस की वजह से बूढ़ा उसके पत्नी को काफ़ी परेशान करते रहते थे। दोनों अपने लड़कों को समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन तीनों अपने आलसपन से बाज नहीं आए। एक दिन बूढ़ा किसान चला बसा। बूढ़े ने अपने बेटों को खेत पर जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं गए। जब तक अनाज था बूढ़िया ने उनको बना बना कर खिला दिया। आखिर एक दिन घर का सारा अनाज खत्म हो गया और घर में जब एक भी दाना नहीं बचा ना, बूढ़िया ने अपने बेटों को काम धंधे के लिए कहा, लेकिन वो तब भी नहीं मान गए। मतलब एक गांव था, उस गांव में एक आदमी के 3 लड़के थे। जो किसान था वो आदमी, वो बताता लड़कों को कि काम करो, पर वो काम नहीं करते तो आलसी थे। एक दिन उसका डेट होगा, वो मर गया। अब वो तब तक था, तब तक कुछ उनको टेंशन नहीं था, उनका सब कुछ कर रहा था बूढ़ा। अब बूढ़ा ही मर गया तो क्या? उनकी माँ थी, वो काम नहीं कर पाती थी क्योंकि होल्ड थी, मान रहे हो 60-65 साल की तो उनकी उम्र थी, होल्ड थी, बच्चे जवान थे, फिर भी वो नहीं कर रहे। जब तक घर में अनाज पड़ा था, माँ ने खिलाया, बेटों ने खा लिया, अब आगे उनके मतलब बहुत आगे क्या होने वाला है पूरा सुनो। एक दिन सुबह बूढ़िया उठकर रोने लगी, माँ को रोते देख उसके बेटों ने पूछा, तू? माँ ने बताया, सपने में तुम्हारे पिता आए थे, उन्होंने बताया यदि तुम लोग खेत में से सारा गड़ा हुआ धन निकाल लेते आओ तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। इसमें से रोने की क्या बात है? लड़कों ने पूछा। बुढ़िया बोली, मैं तो अब सोच कर ही रो रही हूँ कि अब खेत खोद
कर कौन धन निकाल के लाएगा, किसी के दूसरे से कह भी नहीं सकती, इसलिए रो रही। बुढ़िया की आवाज़ सुनकर तीनों बेटों के खेत में जाकर जमीन खोदने लगे। तीनों बेटों की एक ही जगह खुदाई कर रहे थे। ये देखकर बुढ़िया ने कहा, धन खेत में कहीं भी हो सकता है, इसलिए पूरे खेत की अच्छे से खुदाई करो। पूरा खेत खुद जाने के बाद धन नहीं मिला। सब नाराज़ हो गया। जब खेत की खुदाई हो गई तो इसमें अनाज बो दिया। उन्होंने क्या किया, उनकी जो माँ थी, उनके माँ के सपने में उसने माँ ने बताया कि मेरे सपने में तुम्हारे फादर आए थे और उन्होंने बोला कि भाई खेत में गड़ा हुआ धन है, उसको खोद के निकालना है। बेटों ने सारा खेत खोद दिया पर कुछ नहीं निकला। अब वो थोड़ा सा सैड हो गए, नाराज़ हो गए, तो उनके माँ ने बोला, बेटा ठीक है अनाज बो दे, फिर होगा जो देखा जाएगा। बेटों ने अनाज बो दिया। फिर क्या, कुछ दिन बाद खेत में फसल लहराने लगी। फसल काटने का वक्त आ गए। एक दिन बूढ़े फिर से रोने लगे। बेटे ने कहा, अब क्या हुआ, क्यों रो रही है अम्मा? उस बूढ़िया ने फिर से कहा, तेरे पिता सपने में आए, मेरे आए थे, उन्होंने कहा भाई बाजार में जाके बेच के उन्हें धन के बारे में बताएं। अब बेटे ने क्या किया, बेटों ने धन के लालच में फसल काट कर बाजार में बेची गए। फसल बेचने पर जब उन्हें धन मिलता तीनों बेट खुश हो गए। उस दिन से तीनों का आलस त्याग कर दिया, मन में कम करने लग गए। अब क्या हुआ, उनके मदर ने जो था ना उनको एकदम उल्लू बनाया, मतलब उनको सबक सिखाने के लिए किया था ये सब, समझ रहे हो? तो उन्होंने जैसे फसल बेची उनको पैसा मिल गया। वो उसको पैसे के पीछे वो एकदम एट्रैक्टिव हो गए, भाई पैसा सब कुछ है। उस दिन से उन्होंने आलस करना भी छोड़ दिया। यदि आप अमीर बनना चाहते हो तो आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो आलस से बचे। आलस गरीबी है, आलस सबसे बड़ी गरीबी है मेरे भाई। आलस असफलता है, आलस नाकाम है, आलस अमेरिका दुश्मन है। जो भी अमीर बनना चाहता है ना उसके लिए तो भाई आलस मत करो, आलस तुम्हारी मारेगा, तुमको आलस की मारनी, समझो। आलस को दूर भगाए और सफल व्यक्ति बन जाए। आलस कैसे दूर भगता है, अब वो एक टिप मेरी लिख लो। मान के चलो आपको कोई भी काम करने आलस आता है, कोई भी काम हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है जिससे करने में आपको आलस आता है, जिसके आपको, मान के चलो आपको खेत में जाने से आलस आता है तो खेत में जाओ, जिस काम से आलस आता है उसी काम को बार बार करो, आलस खत्म हो जाएगा तुम्हारा, समझ लो। सफल बनना चाहते हो तो आलस को त्यागना होगा, आलस से जीवन को रचनात्मक फल नष्ट हो जाते हैं। बस भाई अब इतने बहुत है। अगर आपको और भी कहानियाँ सुननी है तो मेरे को सब्सक्राइब करके जाओ।